अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपने ही मोबाइल फ़ोन पर 3D स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो 3D स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हम किस तरह इसी ही तरह 3D स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने काइनमास्टर को ओपन कर देना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको प्लस की निशान नज़र आ रही है, इस पर क्लिक कर देना है और अपने लिए एक स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है। लाइक मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 16.9 के बाद हम लोगों ने इंसर्ट कर देना है एक ब्लैंक फाइल को। इस ब्लैंक फाइल को हम लोगों ने इंसर्ट करने के बाद इसकी बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर देना है और ग्रीन रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने लेयर पर क्लिक कर देना है और लेयर के बाद मीडिया पर क्लिक करके एक दूसरा ब्लैंक फाइल, जो भी आपकी मर्जी हो आप इंसर्ट कर सकती हैं। मैं इंसर्ट कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे और एक डुप्लीकेट कॉपी कर दी। डुप्लीकेट के बाद दोस्तों आप लोगों ने ये जो डुप्लीकेट की है, इसको थोड़ा सा छोटा करके और इसकी बैकग्राउंड की कलर को चेंज कर दी। लाइक मैं रखता हूँ रेड। रेड के बाद दोस्तों हम लोगों ने इसके एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है और इसको हम लोगों ने वाइट कर देना है दोस्तों। इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर राइट कर देना है। लेयर पर क्लिक करके और राइट कर देना है YouTube। इसको दोस्तों ओके कर देना है और ओके कर देने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दें और इसकी कलर को, ये आपको जो डबल ए नज़र आ रहा है, तो इसकी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं B1 रखता हूँ और कलर को दोस्तों ये लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पर आपको जो कलर नज़र आ रही है, इस पर क्लिक कर देना है और इसकी कलर को कर देना है ब्लैक कर देते हो, रेड कर देते हो, जो भी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं तो रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिए दोस्तों। रेड मज़ा नहीं करता, तो हम लोगों ने इसको भी ब्लैक कर देना है दोस्तों। अब इसकी डिज़ाइनिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस डबल ए पर क्लिक कर दें और जो भी आप लोग को पसंद हो वही डिज़ाइन आप रख सकते हैं दोस्तों। ये थी हमारे पास एक एनिमेशन को क्रिएट की हम लोग। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने अभी एक एनिमेशन क्रिएट कर दी। हम लोगों ने इसको क्लिक कर देना है और इसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी है ये, और स्क्रीनशॉट को ओपन कर शॉट को ओपन कर देना है और एडिट कर देना। और ये दोस्तों जितना आप लोगों की मर्ज़ी इतना ही आप क्रॉप कर सकती हैं। ये मैं सेव कर देता हूँ। को ओपन कर देना है। इस ऐप का नाम है 3D फोटो क्यूब लाइव दोस्तों। स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर सेलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और जो भी आप लोग बैकग्राउंड रखना चाहते हैं ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और ये हो चुका है। इसको हम लोगों ने पिक्चर किस तरह सेट कर देना है तो दोस्तों चेंज फोटो पर क्लिक कर देना है और इस पर इस लेफ्ट साइड पर हम लोगों ने जो स्क्रीनशॉट ली थी और क्रॉप की थी, इसको इंसर्ट कर देना है और इसकी साइज़ को बराबर कर देनी है। आप जितना साइज रखना चाहते हैं दोस्तों, ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आएगा
आपने जो एनिमेशन क्रिएट किए ये दो देखे दोस्तों, बाकी एक भी चेंज नहीं है, वही क्लॉक वाला घड़ी वाला चेंज हो चुका है। तो ये थी हमारे पास 3D एनिमेशन की तरीकेकार।